वेरी गुड मॉर्निंग क्लास पर बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास है। हमने प्रीवियस क्लास में क्या करा था, चैप्टर 6 स्टार्ट करा था। चैप्टर का क्या नाम था, जब हवा चलती है। हमने एक पेज करा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि एक किसान है, वो कहाँ रहता है, द्वीप के दक्षिणी छोर पर रहता है, छोटे से गाँव में। तो उसके जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, उसके खेत बहुत ख़तरनाक जगह पर होते हैं, तो इसलिए कोई भी वहाँ पर उसके यहाँ पर काम नहीं करना चाहता था। और किसान को किसकी ज़रूरत थी, उसको मज़दूरों की ज़रूरत थी। लेकिन उसकी खेती जो थी, उसकी जो ज़मीन थी, बहुत ख़तरनाक जगह थी, वहाँ पर आंधी तूफान आते रहते थे, इसलिए वहाँ कोई काम करना पसंद नहीं करता था। तो किसान क्या आइडिया सोचता है, किसान ये सोचता है कि वो अखबार में विज्ञापन देगा ओनली एक मज़दूर के लिए, एक मज़दूर के लिए। इसलिए क्योंकि किसान को लगा कि अगर एक मेरे यहाँ काम करने आएगा तो उसको देखकर और भी लोग आ जाएंगे काम करने। लेकिन लोग आते तो हैं विज्ञापन देखकर काम करने के लिए, लेकिन क्या होता है, सब खेत की जगह देखकर मना कर देते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 49। टुडे डेट इज़ 28th of July 2021। 49 ओपन कर लिया आप सभी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक सामान्य कद का दुबला पतला व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने वहां की सारी स्थिति बताकर उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में खेतों में काम कर सकते हो? उसने क्या बोला, उस आदमी ने, हाँ बाबूजी कर सकता हूँ, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। क्या बोला उस आदमी ने कि बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर क्या लगा, विचित्र लगा। विचित्र मतलब, विचित्र का मतलब होता है कि अजीब लगा, बहुत अजीब ही बात थी। चूँकि उसे कोई और काम करने का, चूँकि उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फसलों की देखभाल करता। किसान उससे बहुत संतुष्ट था। क्या होता है, बहुत सारे लोग जो विज्ञापन देख के आ रहे थे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन एक दिन कौन आए, एक दिन एक सामान्य कद का दुबला पतले आदमी किसान के पास पहुंचे। किसान ने उसको बता दिया कि मेरे खेत यहाँ पर है, वो मतलब सारी उसने अपनी ज़मीन की स्थिति बताई। तो वो आदमी क्या हो गया, खेतों में काम करने को तैयार हो गया। तो लेकिन उस आदमी ने क्या बोला, उस आदमी ने कहा कि जब हवा चलती है, मतलब बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। उसने बोला, और तो मैं काम करता हूँ लेकिन बस हवा जब चलती है तब मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। तो किसान को उसका उत्तर, मतलब जो रिप्लाई करा उसको अजीब लगा, लेकिन क्या था, किसान को कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था मज़दूर, इसलिए उसने उसको रख दिया। लेकिन जो मज़दूर था वो क्या था, बहुत ही मेहनती था। वो क्या करता था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फसलों की देखभाल करता था। किसान उससे बहुत खुश था, संतुष्ट था। उसे एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति मिल गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तुरंत उठा और हाथ में टॉर्च लेके मजदूर की झोपड़े की तरफ दौड़ा। मजदूर उस समय दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में सोया हुआ था। किसान ने उसे जगाया और बोला, तुम सो रहे हो, जल्दी चलो, तूफान आने वाला है। इससे पहले सब कुछ तबाह हो जाए, कटी हुई फसलों को बांध कर तिरपाल से ढक दो और बाड़े के गेट को रस्सियों से कसकर बांध दो। मजदूर पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बड़े आराम से बोला, नहीं बाबूजी, मैं इस समय बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। क्या होता है, एक दिन क्या होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है, क्योंकि उसके खेत कैसी जगह थे किसान के, जहाँ पर आंधी तूफान आते रहते थे। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़ोर से हवा चलती है, तो किसान समझ जाता है कि अब तूफान आने वाला है। तो वो क्या करता है, किसान जल्दी से उठता है, टॉर्च हाथ में लेकर कहाँ जाता है, जो मजदूर था उसके झोपड़े की तरफ जाता है। मजदूर सो रहा था गहरी नींद में, तो किसान ने उसको जगा और कहा कि जल्दी चलो, तूफान आने वाला है। कि जो फसलें काटी हुई उनको क्या करते हैं, तिरपाल से ढक देते हैं। तिरपाल होता है ना, ढकने वाला होता है, हम अपने घरों पे भी यूज़ करते हैं जब बारिश आती है तिरपाल। तो फसलों को वो कहता है कि बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट की रस्सियों को कसकर बांध दो। लेकिन मजदूर क्या बोलता है, मजदूर पे कोई असर नहीं होता। वो बोलता है, नहीं मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, जब हवा चलती है तो मैं क्या करता हूँ, सोता हूँ।
तो किसान को ये बात सुन के क्या जाता, बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसका सारा ध्यान कहाँ था, अपनी फसलों पे था, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सारी फसलें ख़राब हो जाएंगी, तूफान आएगा, सारी फसलें गंदी हो जाएंगी, ख़राब उड़ जाएंगी। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने किसान मज़दूर को तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा मैं इससे बाद में बात करूँगा। पहले उसने क्या करा, उसने क्या सोचा कि मैं पहले अपने खेतों को बचा लूँ, अपने फसलों को बचा लूँ। जब किसान खेत में पहुँचा तो वहाँ की स्थिति देखकर उसकी आँखें आश्चर्य से खुली रह गई। फसल की गांठें अच्छी तरह से बंधी थी और तिरपाल से ढकी हुई थी। तो किसान ने क्या देखा वहाँ जाकर कि फसलें की जो काटी हुई फसलें थी वो क्या थी, वो बंधी हुई थी और किससे ढकी हुई थी, तिरपाल से ढकी हुई थी। टर्न योर पेज। उसके बैल सुरक्षित बंधे थे, बाड़े का दरवाजे मजबूती से बंधा हुआ था, सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थी। व्यवस्थित क्या होती है, जो बिल्कुल सही ढंग से होती है। तो किसान ने क्या देखा कि उसके बैल बंधे हुए थे और जो फसलें कटी हुई थी वो बंधी हुई थी, ढकी हुई थी, बाड़े का दरवाज़ा भी बंद था, सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थी, तूफान से नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। उसने क्या देखा किसान ने कि अगर तूफान आ भी जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा खेतों में। किसान को अब मज़दूर की बात यह समझ में आ गई कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ का मतलब क्या है कि मैं चैन से सोता हूँ कि मतलब बिना टेंशन से सोता हूँ। सारा किसान का सारा गुस्सा ख़त्म हो गया और वह मज़दूर की बुद्धिमानी पर मंद मंद मुस्कुराता हुआ निश्चित होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। ठीक है, किसान था क्या होगा, किसान अपने घर फिर चला गया खुश होकर। मज़दूर ने अपनी समझदारी से वातावरण को देखकर तूफान से फसलों को बचाने की तैयारी पहले ही कर ली थी, वह आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए पहले ही तैयार था। तो इससे इसमें क्या बोला गया कि मज़दूर था वो समझ गया था, जैसी हवा चली तो मज़दूर समझ गया कि तूफान आएगा, तो उसने पहले किसान के बोलने से पहले ही सारी फसलें बांध दी, ढक दी, ठीक है, बाड़े का गेट बंद कर दिया, जो जानवर थे उन्हें भी सही से बंद कर दिया। मतलब कि उसने आने वाली जो मुसीबत थी उसकी पहले से ही तैयारी कर ली थी। तो बच्चे देखो, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी घटनाएँ बिना बताए आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस मज़दूर की तरह पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि मुसीबत के समय भी सुरक्षित रह सके। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है आपको, यदि कोई विद्यार्थी शुरू से ही पूरे वर्ष परीक्षा की तैयारी करे तो परीक्षा के समय भी वह आराम से रह सकता है, तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकता है। इससे देखो बच्चों, हमको क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने विवेक से, मतलब अपने दिमाग से और धैर्य, मतलब बिल्कुल संयम से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, उसकी तैयारी निपटने के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो जैसे इसमें कोई एग्जांपल दिया गया, जैसे अभी आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पूरा साल तो आप पढ़ते नहीं हैं, है ना। देखो, जो बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, उसको कुछ याद ही नहीं होगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। जब एग्ज़ाम होंगे तो क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो रोने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको तो कुछ लर्न ही नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन करी है, जिसने अपने चैप्टर लर्न करे हैं, शब्दार्थ करा, एक्सरसाइज करी है, तो क्या होगा, उसको सब लर्न रहेगा उसके माइंड में, ठीक है। तो यही बोला गया है कि हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए, ठीक है। मैं पहले आपको पहले एक्सरसाइज करवा देती हूँ, फिर मैं आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ। थर्ड और फोर्थ आप ही बुक में करेंगे, ओनली डू इन बुक। पाठ के अनुसार वाक्यों को सही क्रम दीजिए, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लाइन्स आई है हमको उस नंबरिंग करनी है उसकी। नंबर वन पे देखिए ये लाइन आई है, उसे अपने खेतों में काम करने के लिए मज़दूरों की हमेशा ज़रूरत रहती थी, किसको, किसान को, ये नंबर वन पे है। नंबर टू में देखिए, एक दिन एक सामान्य कद का दुबला पतला आदमी किसान के पास पहुंचा, जो मज़दूर पहुंचा था काम करने के लिए। थर्ड नंबर पे है, उसने क्या बोला मज़दूर ने, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, ठीक है। फोर्थ नंबर पर मज़दूर कैसा निकला, मेहनती निकला। फिफ्थ नंबर पर कौन सी लाइन है, यह है, किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। ये चैप्टर के अकॉर्डिंग है आपके। लास्ट में कौन सी लाइन है, सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थी। जब किसान आता है अपने खेतों में देखने तो क्या देखा उसने, कि सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थी। अब है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कोई वहाँ काम करने के लिए डैश नहीं होता था, कोई काम करने के लिए क्या नहीं होता था, किसान के खेत की जगह देखकर राजी,
मीन्स तैयार नहीं होता था, यहाँ लिखेंगे राजी। ख कुछ ही दिन डैश थे कि एक रात अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी। बीते मतलब कुछ ही दिन बीते थे, बीते। घ मजदूर पर इन बातों का कोई डैश नहीं हुआ असर। जब किसान ने मजदूर को बोला कि उठो हवा आ गई मतलब आंधी स्टार्ट होगी, तो मजदूर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। घ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा डैश है तो मैं सोता हूँ। क्या होता है जब हवा चलती है तो वो क्या करता है, मैं सोता हूँ। यदि कोई विद्यार्थी डैश से ही पूरे वर्ष परीक्षा की तैयारी करे तो परीक्षा के समय वह आराम से रह सकता है, शुरू में मतलब स्टार्टिंग में पेपर के। ठीक है, नाउ वी विल डू शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब कॉपी में करेंगे या आप हिंदी आर की कॉपी में करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, चैप्टर का नाम, चैप्टर, शब्दार्थ, राजी मीन्स तैयार, राजी मीन्स तैयार, विज्ञापन मीन्स इश्तिहार। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आती है न्यूज़पेपर में, टीवी में भी आती है। विज्ञापन मीन्स इश्तिहार, मुहैया मीन्स देना मीन्स प्रदान करना, विचित्र मीन्स अजीब, जैसे वो मजदूर ने बात बोली थी विचित्र मीन्स अजीब, नुकसान मीन्स बर्बाद या खराब, मुसीबत मीन्स परेशानी। प्रश्न उत्तर है प्रश्न क, किसान के खेतों में कोई काम करने को राजी क्यों नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्योंकि किसान के खेत वाली जगह खतरनाक थी, वहाँ दिन के आते रहते थे आंधी तूफान आते थे। देखिए बच्चों मैंने इसमें प्रश्न नहीं लिखे हैं, तो प्रश्न आप बुक में से लिखेंगे। प्रश्न ख क्या है, किसान ने अखबार में एक मजदूर के लिए ही विज्ञापन क्यों दिया था, क्यों दिया था, मैंने जगह छोड़ दी प्रश्न की, वह आप जो खुद लिखेंगे। उत्तर है इसका, क्योंकि किसान ने सोचा कि पहले एक मजदूर काम करने को तैयार हो जाएगा तो उसको देखकर और भी लोग मेरे खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए किसान ने एक ही मजदूर का विज्ञापन दिया। प्रश्न ग, किसान को मजदूर की क्या बात विचित्र लगी थी, किसान ने क्या बोला था, इसको काट देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। किसान को मजदूर की यह बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ विचित्र लगी, मजदूर की कौन सी बात विचित्र लगी थी, मजदूर ने क्या बोला था, जब हवा चलती है तब मैं क्या करता हूँ, सोता हूँ, ये बात उसको क्या लगी, अजीब लगी। प्रश्न घ, किसान का मजदूर के प्रति गुस्सा क्यों शांत हो गया था, क्यों, क्योंकि जब किसान ने देखा, किसान का गुस्सा इसलिए शांत हो गया क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थी और तूफान से नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। ठीक है, क्योंकि जब आंधी तूफान आया तो किसान ने क्या देखा कि सारी चीज़ें क्या थी, पहले से व्यवस्थित थी और कोई नुकसान की संभावना नहीं बची थी। लास्ट का, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कठिनाइयों का सामना धैर्य और विवेक से करना चाहिए ताकि मुसीबत के समय भी सुरक्षित रह सकें। समझ में आ रहा है, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, समझ में आ रहा है आप सभी को। आप बच्चों आप सभी को क्या करना है, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको अपनी हिंदी आर की कॉपी में करना है, और प्रश्न तीन और प्रश्न चार ये आपको ऑनली बुक में करना है। ओके, और आप जिन बच्चों की कॉपीज़ रह गई है स्कूल में वो आप कॉपीज़ लेके जाएंगे अपनी, क्योंकि फिर काम कैसे करेंगे आप अपना। ठीक है, तो अपनी कॉपीज़ लेके जाइएगा और जो मैं टाइम बोलती हूँ उसी पे कॉपी सबमिट करवाइए, उसी टाइम पर वापस लेके जाइए। ओके बच्चों, आज बस इतना ही करेंगे, कल हम एक्सरसाइज करेंगे भाषा कौशल। ओके, थैंक यू।